बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज 11 अगस्त को 39 साल की हो जाएगी। ऐसे में सुकेन चंद्रशेखर ने अपनी बेबी गर्ल के जन्मदिन को खास बनाने के लिए अभी से तैयारी कर दी है। उन्होंने कहा कि वह जैकलिन के स्पेशल डे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वह इस दिन अभिनेत्री के 100 फैंस को आईफोन 15 प्रो गिफ्ट करेंगे। झारखंड में दो दिनों की गर्मी को झेलने के बाद एक बार फिर जबरदस्त बारिश हुई है। बता दें कि राजधानी रांची में तीन दिनों से कड़ी धूप और गर्मी का सामना लोग कर रहे थे, लेकिन तीन दिन के बाद झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दे दी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को 150 रन बनाकर जिम्बाब्वे पर जीत हासिल कर पहले T20 टीम बनाकर इतिहास रच दिया। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, जिससे भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 मुकाबले में हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली। जोशीमठ के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राजमार्ग 72 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं खुल पाया। इस कारण मार्ग के दोनों तरफ ओली, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और फूलों की घाटी जाने वाले 2,800 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं। पिछले साल 19 जुलाई को अपने साथियों को बचाते हुए सियाचिन में कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही उन्हें कृति चक्र से सम्मानित किया, लेकिन इसी बीच अब शहीद के माता पिता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने दुख को जाहिर किया है। हार्दिक IPL के बाद से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाए हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वे नताशा स्टेनकोविक से अलग हो रहे हैं। तालाक की खबरों के बीच हार्दिक पांड्या की मिस्ट्री गर्ल के साथ फोटो वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस चौंक गए हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। पूरा देश अभी अलग अलग वातावरण और मौसम से गुजर रहा है। हल्की बारिश हो रही है, कहीं अथाह वर्षा हो रही है। देश के कई राज्य उमस भरी गर्मी झेल रहे हैं, तो कहीं मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बता दें कि मुंबई में मूसलाधार बारिश के कारण जल जमाव से लोग बेहद परेशान हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली NCR के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। असम के बाद अब नेपाल में भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर बहने वाली नदियां उफान पर है, और तो और यूपी में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि यूपी के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे भी कई जिले हैं जहां गांव पूरी तरह पानी में डूब चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐलान से पहले तेजी से चल रही कमलनाथ की बीजेपी के साथ जाने की चर्चा एक बार फिर गर्म है। एक बार नाथ का भाजपा के साथ जोड़ते हुए उन्हीं कैलाश विजयवर्गीय ने तारीफों के पुल बांधे हैं, जो कभी कमलनाथ के भाजपा आने की खबरों पर तल्ख टिप्पणी दे रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर भद्दे और अभद्र कमेंट करने वाले को रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने वार्निंग देते हुए कहा कि ऐसे बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, लेकिन किसी को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। जबलपुर प्रशासन ने 2018 से 19 और 2024 से 25 के बीच 81,117 छात्रों से 64.58 करोड़ रुपए की अवैध फीस वसूली को रद्द कर दिया है। साथ ही स्कूलों को नोटिस जारी करके अवैध रूप से वसूली की गई फीस विद्यार्थियों को वापस करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि विषयों की पढ़ाई आरंभ की जाए। प्रदेश की शालाओं के अध्ययनरत विद्यार्थी अधिकांशतः खेती बाड़ी की पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आते हैं, अतः इन विषयों पर पढ़ाई आरंभ करने से विद्यार्थियों का शालाओं से अधिक जुड़ाव होगा। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने जा रही है, यानी कर्मचारियों की 36 साल पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। दरअसल वित्त विभाग को JP सिंघल आयोग की रिपोर्ट मिल गई है, अब सरकार इसका परीक्षण करके इसे लागू कर सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। MP की बड़ी यूनिवर्सिटी RGPV को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। यह मामला असेसमेंट ईयर 2018 से 19 का है। विभाग ने RGPV से कहा कि अगर इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।